एक पिंड के अंदर तुहानू पंजाबी समझ आती है, मसला तो नहीं है अगर थोड़ा जहा मैं पंजाबी दे चुटकले मारदा पिया विचकार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, वो भाई तनु आंदा की तनु की पता आर्किटेक्चर की होंदा, डिजाइन की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तनु अल्लाह दा की पता, तू बड़ा वड्डा आया अपनी तरफों। बूथी वेख जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर खुआर हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिया, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नुएं कब्जा कर चुकी हैं या नुओं पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, आमन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए और जब आए तो जवाब ही दे गए, वो आगे से क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं या मामला कहीं अटका हुआ है, वो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, सब ने किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से, उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पे, मैं ही शुरू कर लें। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है शुरू में। HR भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, नो कोई साथ नहीं होता, आप समझा ही नहीं सकते अगले, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर, बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों दीवार बनाना शुरू कर देता, पता है क्या कुछ नहीं। पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई, ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं, दुश्मनी का भी वाल इनको नहीं निभाना आता, एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ही ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है ये दीवार था, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है, बड़ा आया अपनी तरफ पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लगे, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान को। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई, इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाए, सही दाम लगा के जाए अपनी रूह का, जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो तेरी, उस तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की,
कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई, कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया फगारा, लेकिन दो दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। तेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बर के बाद पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा, हुसन तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना आपको, यकीन आ गया आपको हमको कि भाई तेन खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा, वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैगे के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और चार दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए, मगर 10% तो हर जगह होते हैं, आंजरता हूं अमलम तुम धिरुम ला यूमिनुम, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी कर लो, इन्होंने गल नहीं मानी, उन्होंने क्या, चार दीवारें तो तू बना ली है, छत तेरे प्यो ने बनानी, तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके अपने। कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील किया, इन्ना डिमीन किया तेनू, बिलिटल किया तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये, एक ईंट के सफर को तू ये चार दीवारी कैसे खड़ी कर गया, जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था, जानना चाहेंगे, इतना मरा हुआ रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, जानना चाहेंगे, चक्री में शेर खाते फाया, इतना मठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप, किसी ने उसे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या आ, बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता हुंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बोछों को कान नहीं देने होते तूने, बोछों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से।